बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और जिसमें आपके साथ पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो इन दैट रीजन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो क्या उस रीजन में आपके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या वो ज़ीरो होगी या नहीं होगी। तो स्टेटमेंट हम मेंशन कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुड बी ज़ीरो इन दैट रीजन। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। रीज़न इसका क्या है स्टूडेंट्स, रीज़न इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो पोटेंशियल का स्लोप है, तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो फिर तो वो चेंज नहीं करेगा, मतलब उसका स्लोप जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइन होगा, और हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप आपके साथ ज़ीरो होता है। ठीक है, सो जब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो ज़ीरो होगा तो इंटेंसिटी भी आपके साथ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर आपको याद हो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया था, और इस फार्मूला में एक माइनस साइन भी था जिसमें हमने कहा था कि माइनस साइन की एक्सप्लेनेशन ये है कि द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उस माइनस साइन की ज़रूरत इतनी नहीं है, आप पुट करना चाहें तो आप वो भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डिफिनीशन स्टूडेंट्स हमने की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट। और एक डिफिनीशन जो है वो हमारे साथ थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंडीशन के मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक हम डेल्टा वी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके साथ पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो मतलब चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो होगा, तो वो अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आपके साथ ज़ीरो आ जाएगा। तो जो बात हमने की थी स्टेटमेंट में उसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि अगर एक रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर लें, फ्रॉम द अबव डेरिवेशन इट इज़ प्रूव दैट व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन अ गिवन रीजन इंटेंसिटी इज ज़ीरो इन दैट रीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन की बात हुई, लेकिन अगर आपको याद हो हमने कहा था कि ये जो फार्मूला है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में हो सकता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट तो वहाँ होता ही है लेकिन वहाँ पे इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती। तो अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह ट्राई करना चाहें कि व्हेन पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट इंटेंसिटी मे बी ज़ीरो और मे नॉट बी ज़ीरो, ठीक है, वो जो मे नॉट बी ज़ीरो है उसकी एक्सप्लेनेशन फिर आपने कैसी देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली देनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपके साथ पोटेंशियल तो कांस्टेंट रहता है लेकिन वहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो बहरहाल हमने तो वो ज़ीरो वाला केस कंसिडर कर लिया, लेकिन अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो नॉन ज़ीरो वाला केस भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो अगर जनरली बात करें तो एक रीजन में अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो हो सकता है कि इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकता है कि इंटेंसिटी नॉन ज़ीरो हो। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स ये वाला, ये फार्मूला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अप्लाई नहीं होता और ना ही इक्विपोटेंशियल लाइन पे अप्लाई होता है। ठीक है, बहरहाल ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर वन था। क्वेश्चन नंबर टू आपके साथ है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन,
विल इट मेक अ रेक्टिलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन को स्टूडेंट्स हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। और क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज को जिसका मास एम हो उसको एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रिलीज करें, ठीक है, तो क्या, और वो रिलीज आपने ऐसा करना है कि जो उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपने उसे रिलीज करना है, तो क्या वो चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन करेगा या नहीं, क्या वो चार्ज स्ट्रेट मोशन करेगा या नहीं करेगा। तो स्टेटमेंट है कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, तो हमारा आंसर है इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये रेक्टिलिनियर मोशन अंडरगो करेगा, ये स्ट्रेट मोशन जो है वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्टूडेंट्स इस केस में जो आप के साथ उस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा और वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो एक्सेलरेशन असल में कौन सी एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन असल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। और आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो स्पीड को तो चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को वो चेंज नहीं कर सकती। तो अगर डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ जो टेस्ट चार्ज होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, कंसिडर करें कि आपके साथ एक सोर्स चार्ज है और उस सोर्स चार्ज ने अपना फील्ड बनाया हुआ है। हमने इस पर ऑलरेडी बात की थी कि आइसोलेटेड चार्जेस के जो फील्ड होते हैं वो वेरिएबल फील्ड्स होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड्स होते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसकी लाइंस की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक वेरिएबल फील्ड है। अब हमने जो है एक्सप्लेनेशन देखें, कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ चार्ज क्यू, लेट अनदर चार्ज क्यू नॉट इज रिलीज्ड एट पॉइंट ए। तो स्टूडेंट्स अगर हम क्यू नॉट को पॉइंट ए पे रिलीज करें तो ये चार्ज किस तरफ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। ठीक है, सो एज शोन दिस चार्ज विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज शोन, द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, अच्छा उस एक्सेलरेशन का स्टूडेंट्स फॉर्मूला देखते हैं। तो आपको पता है कि फोर्स जो है वो क्यू ई के इक्वल है, और अगर फोर्स की जगह हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एम ए लिख लें तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा और ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम हो जाएगा। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो उस चार्ज पे एक्ट कर रही है, और ये एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स कौन सी एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। क्यू टेंजेंशियल है क्योंकि फोर्स की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन उस वक्त सिर्फ स्पीड को इंक्रीज करता है और आपके साथ डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर क्यू और एम को हम कॉन्स्टेंट रखें तो फ्रॉम इक्वेशन वन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एज फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म सो एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन ये है कि वो रेक्टिलीनियर मोशन वो चार्ज करेगा, लेकिन विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन वो रेक्टिलीनियर मोशन करेगा। लेकिन जब ये चार्ज करीब होगा तो उस वक्त फोर्स भी स्ट्रांग होगी, एक्सेलरेशन भी स्ट्रांग होगी। जैसे ये चार्ज दूर जाता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो फोर्स भी वीक होती जाएगी, इंटेंसिटी भी वीक होती जाएगी, और साथ में एक्सेलरेशन भी वीक होती जाएगी। तो ये जो चार्ज मोशन कर रहा है विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन कर रहा है, लेकिन वो वेरिएबल एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और उसकी वजह से आपके साथ जो वेलोसिटी होगी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, उसकी डायरेक्शन में जो है कोई चेंज नहीं आएगी। तो आपके साथ जो चार्ज होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो अंडरगो करेगा। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर टू था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थ्री आपके साथ है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस जो है वो बताएं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज, ठीक है? तो वोल्टेज में और एनर्जी में क्या फर्क है? तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने क्लास में भी इस पे बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में आपके साथ जो फर्क है वो ये है कि पोटेंशियल में हम सिर्फ वर्क डन की बात करते हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में हम सिर्फ वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वर्क के साथ साथ जो है वो बात होती है चार्ज के ऊपर भी, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जो है वो तो जाउल्स है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वो जाउल्स पर कूलम है। जाउल्स पर कूलम को फिर हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है? तो वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है? जो हमने ऑलरेडी इसका फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ये तो फर्स्ट लाइन में तो हमने वोल्टेज को डिफाइन कर लिया। अगर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन कर लेते तो वो अच्छा होता, और एनर्जी की हेडिंग दे के आप कहते हैं कि एनर्जी इज जस्ट वर्क, ठीक है? एनर्जी इज वर्क बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन साइड द फील्ड, ठीक है? अब आपने हेडिंग देनी है, जो मेन आपका क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से भी आपके साथ क्लियर है कि आपके साथ वॉल्ट जो है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल है। तो यही रिलेशन है असल में वोल्टेज में और एनर्जी में, ठीक है? असल में वोल्टेज क्या है? वोल्टेज द रेशियो ऑफ एनर्जी टू चार्ज है, ठीक है? एनर्जी और चार्ज का रेशियो जो है वो वोल्टेज है। और एनर्जी क्या है? एनर्जी असल में वोल्टेज और चार्ज का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो ये दोनों के फॉर्मूलाज हैं। वी जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो वो द रेशियो ऑफ एनर्जी टू चार्ज है। और वर्क जो है या एनर्जी जो है वो असल में चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, और अगर सी आपके साथ कांस्टेंट हो तो वहां से फिर एनर्जी और वोल्टेज का एक दूसरा रिलेशन बनता है। वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का रिलेशन क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ वोल्टेज। तो ये मुख्तलिफ आपके साथ जो है लिंक्स हैं वोल्टेज में और एनर्जी में। सो कंक्लूजन में, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन इट इज क्लियर दैट एनर्जी इज वर्क एंड वोल्टेज इज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दे आर जनरली रिलेटेड बाई दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री के साथ बहुत सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे कहा गया था कि पोटेंशियल और एनर्जी के दरमियान डिफरेंसेस या उनका रिलेशन डिवेलप करें। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको उनके यूनिट्स के दरमियान रिलेशन डिवेलप करना है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन ये है कि आपने वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पे बात करनी है। अब वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर थ्री में फिजिकल क्वांटिटीज पे बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर फोर पे उसी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स पे बात हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले वोल्ट को डिफाइन करें। वोल्ट जो है इट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर आप वोल्ट को फॉर्मली डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल्स बाय 1 कूलम, ठीक है? तो आप इसको और भी फिर आगे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो उसे डिफाइन कर लें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वो तो एनर्जी का यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है, लेकिन वो जाउल्स के मुकाबले में बहुत स्मॉल यूनिट है, ठीक है? हमने पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल्स के इक्वल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो जाउल्स के मुकाबले में बहुत छोटा यूनिट है। और ये यूनिट हम किस वक्त यूज़ करते हैं? जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं,
इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की या न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, तो उनके लिए जाउल्स का यूनिट फिर बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए हम फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये जो आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस रिलेशन को अब हमने जो है प्रूफ करना है। तो हम जो है वोल्टेज की डिफिनीशन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, इस वोल्टेज की डिफिनीशन से हम जो है यूनिट्स की तरफ आ जाते हैं। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल बाय 1 कूलम। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसमें हम इस 1 जाउल की वैल्यू को पुट करेंगे। तो फिलहाल इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब 1 जाउल की वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जाउल्स के इक्वल है। तो इस 1.6 × 10⁻¹⁹ को डिवाइड कर दें दूसरे साइड पे, तो आपके साथ 1 जाउल की वैल्यू आ जाएगी 1.1 ÷ 1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जो जाउल की वैल्यू आपके साथ आई है, इसको यहाँ से उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपके साथ 1 वोल्ट जो है ये जाउल की वैल्यू आ गई, और वो डिवाइडेड बाय कूलम तो अपनी जगह पे है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लोवेस्ट डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके साथ जो आखिरी रिलेशन बचेगा वो ये रिलेशन होगा कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने प्रूव कर दिया है। ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके साथ एक क्वेश्चन है, और उसकी स्टेटमेंट ये है कि हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लो। क्या ये पॉसिबल है कि किसी सरकमस्टांसेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके साथ हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके साथ लो हो? क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? ऐसे केसेस हैं क्या कि जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो हो? तो हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया कि यस, ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो हो। ठीक है, रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका ये है कि पोटेंशियल की जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो आपके साथ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इससे जो है आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी का पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हाई कर सकते हैं अगर हम टेस्ट चार्ज को क्या कर दें, टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल कर दें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम हाई कर सकते हैं। तो ये हमें एक आइडिया मिल गया कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हाई कर सकते हैं अगर हम टेस्ट चार्ज को क्या रखें, टेस्ट चार्ज को स्मॉल रखें। तो ये तो सिंपल रीज़न है, लेकिन अब हमने इस सिंपल रीज़न को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड करता है और टेस्ट चार्ज पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप इस फार्मूला की प्रोपोर्शनैलिटीज को देखें, तो इस फार्मूला की प्रोपोर्शनैलिटीज जो हैं वो आपको ये बताती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टेस्ट चार्ज कॉन्स्टेंट हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चार्ज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके साथ कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक बात डिस्कस करते हैं। नाउ लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट इन द फील्ड, एंड कंसिडर अ स्मॉल टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन दैट फील्ड। ठीक है, हमने डायग्राम के मुताबिक आप देखें एक सोर्स चार्ज है जिसने अपना फील्ड जो है वो क्रिएट किया हुआ है, और हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। इस पॉइंट की तरफ हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। तो
तो इस पॉइंट की तरफ जब हम टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो हमने इस टेस्ट चार्ज के लिए दो क्वांटिटीज फाइंड करनी है। हमने इस टेस्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है और इस टेस्ट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया था, साथ में एक माइनस साइन भी था, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ है तो माइनस को हमने इग्नोर कर दिया है। और ये टेस्ट चार्ज हमने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज हमने वेरी स्मॉल रखा है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज के वेरी स्मॉल रखने से, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करती है, तो अगर टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी स्मॉल होगी। तो यहाँ से तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल है इस केस में जब हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाते हैं, लेकिन एट द सेम केस पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी है वो टेस्ट चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो उसी टेस्ट चार्ज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेस्ट चार्ज छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्मॉल होगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपके साथ लार्ज होगा। तो देखिए, हमने अपनी जो क्वेश्चन की बात थी वो साबित कर दी है कि ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो लार्ज हो। उसके लिए आपने करना क्या होगा, टेस्ट चार्ज को आपने बहुत स्मॉल लेना होगा। तो जब टेस्ट चार्ज स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल होगी एंड एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी हाई व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट है कि कैन द पोटेंशियल ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मे बी सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज। क्या एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है या वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये जहन में याद रखें कि अगर वो चार्ज स्फीयर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वो फिर एक इंसुलेटर है। अगर चार्ज स्फीयर आपके साथ नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वो स्फीयर फिर क्या है, वो फिर इंसुलेटर है, क्योंकि कंडक्टर जो होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने बात कर ली है कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली चार्ज होते हैं। ठीक है, कंडक्टर जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो एक चार्ज्ड इंसुलेटर की बात हो रही है और चार्ज इंसुलेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के साथ। ठीक है, तो चार्ज इंसुलेटर को हमने कंपैरिजन करनी है उसकी पॉइंट चार्ज के साथ। स्टूडेंट्स, गॉज लॉ जो है वो हमने अप्लाई किया था कंडक्टर पे, और कंडक्टर के केस में हमने ये बात क्लियर की थी कि आपके साथ जो इंटेंसिटी होती है इनसाइड द कंडक्टर, इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर जो है वो आपके साथ कांस्टेंट जीरो होती है। ठीक है, और सरफेस पे वो मैक्सिमम होती है और सरफेस से बाहर जो है वो डिक्रीजिंग होती है। तो इनसाइड द कंडक्टर आपके साथ इंटेंसिटी जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम और बाहर जो है इंटेंसिटी वो डिक्रीजिंग होती है। लेकिन वो तो स्टूडेंट्स एक कंडक्टर के लिए गॉज लॉ की एप्लीकेशन थी, यहाँ पे तो बात जो है वो इंसुलेटर की है, और इंसुलेटर का किस्सा थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल इन्होंने इस पे क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन ये था कि एक नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का बिहेवियर क्या पॉइंट चार्ज की तरह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये है कि अगर हम स्फीयर के अंदर की बात करें, द पोटेंशियल आउटसाइड, अच्छा अगर स्फीयर के बाहर की बात करें तो बाहर के केस में
पॉइंट चार्ज और उस स्फीयर का बिहेवियर सेम होगा, ठीक है। द पोटेंशियल आउटसाइड अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज, ठीक है। अगर आउटसाइड की बात करें तो फिर तो पॉइंट चार्ज और एक इंसुलेटिंग चार्ज स्फीयर दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड की, तो इनसाइड के लिए स्टूडेंट्स जो है फिर दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा। सो स्टेटमेंट हमारा ये है कि द पोटेंशियल आउटसाइड अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मींस एन इंसुलेटर विच इज चार्ज, ठीक है, इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एंड द पोटेंशियल इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स रीजन की तरफ। रीजन जो है वो आपके साथ ये है कि पॉइंट चार्ज जो होता है, पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी हमेशा सेपरेशन के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, और उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज जो होती है उससे चाहे आप करीब हो चाहे आप उससे दूर हो, वो प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। लेकिन ये जो इंसुलेटिंग स्फीयर है इसको अगर आप चार्ज कर दें तो इसका इनसाइड का बिहेवियर अलग होता है और आउटसाइड का बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। तो आप जरा इस रीजन को देखें, फॉर आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट चार्ज और स्फीयर दोनों इस बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए आउटसाइड द सरफेस के लिए दोनों का दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होगी और दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। लेकिन अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड में पॉइंट चार्ज का बिहेवियर और स्फीयर का बिहेवियर डिफरेंट है। इनसाइड में पॉइंट चार्ज का बिहेवियर ये है और स्फीयर का बिहेवियर जो है वो ये है। तो इसको हमने थोड़ा सा डायग्राम और ग्राफ्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, इस पहले सिचुएशन में हमने पॉइंट चार्ज लिया हुआ है और इस दूसरे सिचुएशन में हमने एक नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और हमने नीचे इसके ग्राफ्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस ग्राफ्स को देखें। सबसे पहले पॉइंट चार्ज का ग्राफ देखें। पॉइंट चार्ज में आप जितना दूर जा रहे हैं इस सोर्स चार्ज से, वो ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ आपके साथ बन रहा है, ठीक है। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, और ये आप देखें थ्रू आउट ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर के केस में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। चार्ज इंसुलेटर के केस में रेडियस तक जो ताल्लुक होता है, इस रेडियस तक वो ताल्लुक देखें अलग ताल्लुक है। वो क्या है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन। ये ताल्लुक किस टाइम अप्लाई होता है, इनसाइड द स्फीयर के केस में अप्लाई होता है, और फिर आउटसाइड द स्फीयर के केस में वही ताल्लुक है जो पॉइंट चार्ज का है। तो ये जो है मेन फर्क है, और ये जो रिलेशन है ये आपने बाय फेथ लेनी है ये इनसाइड वाले की, क्योंकि इसको हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन एंट्री टेस्ट पे भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके साथ एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। तो याद रखें कि इनसाइड द स्फीयर जो होगी, अगर वो स्फीयर क्या है, अगर वो स्फीयर इंसुलेटर है तो इनसाइड द स्फीयर वो रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये स्फीयर कंडक्टर है तो फिर तो इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी जो है वो जीरो होती है, लेकिन इंसुलेटर में इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। अब जब आप इन दोनों चार्जेस को कंपेयर करें तो ये जो रेडियस से बाहर का हिस्सा है, ये वाला जो देखें, ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये पोर्शन और यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये तो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड के केस में तो पॉइंट चार्ज और उस स्फीयर का की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल सेम है, लेकिन मसला इस रीजन में है। ये देखें, ये रीजन डिफरेंट है और ये रीजन आपके साथ डिफरेंट है। तो इस रीजन में जब आप इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो वहाँ पे फिर पॉइंट चार्ज और स्फीयर जो है एक जैसा बिहेवियर
नहीं रखते, ठीक है। सो फॉर अ पॉइंट चार्ज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन थ्रू आउट, बट फॉर अ चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर इनसाइड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड आउटसाइड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। सो कंक्लूजन क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ द स्फीयर, लेकिन किस वक्त, इनसाइड, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द स्फीयर, लेकिन किस वक्त, आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके साथ, उसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करें और फिर उन्हीं 3 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो किस केस में वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। सो स्टेटमेंट ये है कि व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे कैन स्टोर मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। रीज़न इसका क्या है, रीज़न इसका ये है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, और वहाँ से अगर V कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। और अब हम प्रूफ करेंगे कि पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है तो वहाँ पे एनर्जी भी बढ़ जाती है, और सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम हो जाती है तो वहाँ एनर्जी भी कम हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन, consider 3 capacitors connected in series and parallel as shown. Series mein capacitors mein aapko pata hai ki hum reciprocal addition apply karte hain aur parallel mein hum simple addition jo hai wo apply karte hain. To simple addition ki ye property hoti hai ki uska result har equivalent se bada hota hai, aur reciprocal addition ki ye property hoti hai ki uska result har equivalent se kam hota hai. तो यहाँ से हमें बहुत क्लियरली ये बात पता चल गई कि इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल विल बी ग्रेटर देन द इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ दीज 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज। और अगर पैरेलल में कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान। सो इन पैरेलल कैपेसिटर स्टोर्स मोर चार्ज, दिस मीन्स दैट चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इज इंक्रीज, सो एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो ये इसका हो गया कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन है कि क्या 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस पे भी हमने बात की थी कि इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, क्योंकि 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब होता है 2 डिफरेंट पोटेंशियल्स और 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल जो है, बिकॉज 2 डिफरेंट लाइंस हैव डिफरेंट पोटेंशियल्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इफ दे क्रॉस पोटेंशियल एंड इंटेंसिटीज बिकम्स द सेम, ठीक है। तो 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस का मतलब है 2 डिफरेंट इंटेंसिटीज और 2 डिफरेंट पोटेंशियल्स, और अगर ये क्रॉस हो गए तो इसका मतलब वो डिफरेंट पोटेंशियल्स आपके साथ सेम हो जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। तो एक्सप्लेनेशन में कंसिडर करें कि हमने 2 इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो है वो कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। एक का रेडियस आर ए है और दूसरे का रेडियस आर बी है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। तो पॉइंट ए पे अपना पोटेंशियल होगा और पॉइंट बी पे अपना पोटेंशियल होगा, और स्टूडेंट्स ए पे जो पोटेंशियल होगा वो बी से ज़्यादा होगा, मतलब पोटेंशियल एट ए अनइक्वल होगा पोटेंशियल एट बी के। और वो क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ बी के इक्वल नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि पोटेंशियल एट ए इज अनइक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये रिजल्ट कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल का रेडियस के साथ ताल्लुक है। अगर रेडियस डिफरेंट है तो पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर इन 2 लाइंस को हम इंटरसेक्ट कर दें, तो अगर 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर दें,
तो फिर तो स्टूडेंट्स दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ये तो इस 100% करेक्ट बात की वायलेशन हो जाएगी। 100% करेक्ट बात तो कभी गलत नहीं हो सकती। सो द रिजल्ट इज द कंट्रडिक्शन विद इक्वेशन नंबर 1 विच इज नॉट पॉसिबल। सो दो इक्विपोटेंशियल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका इस बारे में है कि वाटर जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 है, लेकिन फिर भी वो कैपेसिटर्स के दरमियान एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? ठीक है, सो वाटर हैज़ अ लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग the capacitance by a factor of 78, but it is rarely used in capacitors. तो उनके कुछ reasons हैं points में, वो हमने लिखे हैं। सबसे बड़ा reason तो जो है वो ये last वाला है कि water जो है वो उसमें minerals होते हैं, उसमें ions होते हैं, और उस case में water जो है वो conductor होता है, और capacitor में हम हमेशा एक insulator use करते हैं, तो इसलिए वाटर को रेयरली यूज़ किया जाता है। अच्छा, वाटर में जो आयंस होते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी वजह से वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कभी सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है। इसके अलावा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, मतलब वो हमेशा 78 नहीं रहता। टेम्परेचर के चेंज होने से उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो सकता है, इम्प्योरिटीज के चेंज होने से उनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाता है, तो इस वजह से भी हम उसको एज अ डायलैक्ट्रिक यूज़ नहीं करते। अच्छा, वाटर अगर प्योर फॉर्म में भी होगा तो अगर उसमें आयंस नहीं भी होंगे तब भी वो 100% इंसुलेटर नहीं होता, क्योंकि उसमें तब भी एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस होते हैं, और उसकी वजह से वो चार्ज को कंडक्ट करने में हेल्प करा सकता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वाटर को यूज़ नहीं किया जाता। और वाटर एक पोलर कंपाउंड है। जनरली कैपेसिटर्स में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें जो नॉन पोलर हो, जिनका डाइपोल मोमेंट जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो इन रीजंस की वजह से कैपेसिटर को यूज़ नहीं किया जाता, वाटर को यूज़ नहीं किया जाता एज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसकी स्टेटमेंट ये है कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूला से आप सारे फैक्टर्स बता सकते हो कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। पहला फैक्टर है एरिया ऑफ द प्लेट्स, दूसरा फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो आप मीडियम यूज़ करोगे एक इंसुलेटर मीडियम, उसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, और तीसरा फैक्टर है सेपरेशन। ठीक है, तो इन तीनों को चेंज करके आप कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो एक तो ये है कि एरिया को इंक्रीज करें, दूसरा ये है कि ऐसा डायलैक्ट्रिक यूज़ करें जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, और या फिर सेपरेशन को क्या कर दें, सेपरेशन को कम कर दें। तो इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द एरिया, इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो पहला फैक्टर है एरिया को इंक्रीज करें। जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना चार्ज ज़्यादा एकमुलेट करेगा और उतनी ही आपके साथ कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। दूसरा है मीडियम यूज़, ऐसा मीडियम यूज़ करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो ज़्यादा हो, तो उसके साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है सेपरेशन का, सेपरेशन को कम कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, वहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। सो कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एरिया, बाय यूजिंग अ मीडियम एंड बाय डिक्रीजिंग द डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ 10 क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एंड के यहाँ पे वाइंड अप हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।